हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे। आज बात करते हैं किसान आंदोलन के बारे में, क्योंकि किसान आंदोलन जिस तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से कंडीशंस है, वो बहुत बैड कंडीशंस कही जाती है। क्योंकि ऐसी कंडीशंस अगर आ जाती है तो सरकार की विफलता तो होती ही है। क्योंकि सरकार ये नहीं, गवर्नमेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी पद पर कोई व्यक्ति बैठ गया इसके बाद वो शासन कर रहा है। अगर उससे व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो कुछ भी उसका मतलब नहीं है। आप वीडियोज में सारे देखिए किस तरीके से हो रहा है। आज न्यूज चैनल पर देखिए, ये कंडीशंस जब इंसान के अंदर की असंतुष्टि उत्पन्न होकर आ रही है, किसान के अंदर की असंतुष्टि उत्पन्न होकर अंदर के से जो आ रही है, उस पर आप विचार कीजिए, उसको आप अच्छे तरीके सॉल्व कीजिए। मैं सपोर्ट किसी गलत इंसान का नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी हिंसा वाले व्यक्ति का सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं उस सही व्यक्ति के साथ हूँ, उस सही किसान के साथ हूँ जो मेहनत करता है और हम सभी लोगों का पेट भरता है, उस व्यक्ति के साथ हूँ। क्योंकि सरकार की विफलता ये है कि वो इस चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाई। किसान जो हमारे लिए पूजनीय होता है, उसके साथ आप बैठकर बात कीजिए, उसको समझाइए। अगर आप उससे समझा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब कि आपकी जो बात सही नहीं है। मैं तो सीधे सीधे कह रहा हूँ, अगर आप समझा नहीं पा रहे हैं तो आपकी बात सही नहीं है। अगर सामने वाला व्यक्ति समझ पा रहा है तो आपकी बात सही है और आपके समझाने का तरीका भी सही है। लेकिन अगर सामने वाला व्यक्ति नहीं समझ रहा है तो आपकी बात में भी कुछ ना कुछ फॉल्ट है। और अगर ऐसी बात है तो आप उसका एक सही तरीका निकालिए। देश एक व्यक्ति का नहीं है, ये शासन, ये पूरा का पूरा देश, ये अर्थव्यवस्था सिर्फ सरकार के नहीं है, एक व्यक्ति की नहीं है जो किसी पद पर बैठ गए और इसके बाद वो अपनी अनुसार सब कुछ कर रहे हैं। ये सभी का है, सभी का, हर एक छोटे छोटे बच्चे का, सब कोई पार्टिसिपेट करता है। तो ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति अपने अनुसार बस डिसीजन ले लेगा, उससे किसी को खुशी हो या ना हो, किसी के लिए वो अच्छा हो या ना हो। मैं सभी से सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, सही का सपोर्ट कीजिए, गलत का विरोध कीजिए। और ऐसा नहीं कि आप इस पर कूद पड़िए, हिंसा का कभी सपोर्ट मत कीजिए, लेकिन किसान के साथ रहिए, जो सही है उसके साथ रहिए। और सरकार को भी इस तरीके से नहीं करना चाहिए। आजकल की गवर्नमेंट ऐसा लगता है कि जैसे पूरे कब्जा कर लिया है, जैसे पहले के लोग कब्जा नहीं कर लेते थे, तो वही कंडीशंस हो गई है। आप सही के साथ आई है, आइए उनको समझाइए, जो भी बात है उनको समझाइए। कम से कम ये जो देश का नुकसान हो रहा है, जो रिपुटेशन हो रही है अदर कंट्रीज में जा रही है, उस रिपुटेशन को आपको हमें वो उस तरीके को करनी पड़ेगी। आपको क्या